रैना नौशेरा से पीछे चल रहे हैं 3000 वोटों से। ये बड़ी खबर आती हुई और जम्मू कश्मीर में उलटफेर होता दिख रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन अब 50 सीटों पर आगे हो गया है जम्मू कश्मीर में। बीजेपी घटकर 26, पीडीपी 2 और अन्य 13। ये देखिए अन्य का आंकड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर में, जहां पर अन्य को 13 सीटें आती दिख रही हैं और इसमें कई निर्दलीय कैंडिडेट भी हैं जो कि जम्मू कश्मीर में लड़ रहे थे। महबूबा मुफ्ती की बेटी लगातार बिजबेहरा से इल्तिजा मुफ्ती पीछे चल रही है के लोग लगे तो ये जम्मू कश्मीर में भी बड़ी खबर आ रही है। हालांकि अभी कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और गठबंधन जो है वो स्पष्ट बहुमत से 4 सीट ऊपर है, यानी वो एक सेफ जोन में है। लेकिन ये आंकड़े क्या पलटेंगे ये देखना होगा, क्योंकि हरियाणा में बहुत तेजी से उलटफेर। बीजेपी 50, हरियाणा में बीजेपी की हाफ सेंचुरी हो गई है। बीजेपी अपने बीजेपी आगे बढ़ रही है इस समय। हाँ। उलट फिर तब होता जो कांग्रेस पिछले आधे घंटे में आगे बढ़ती दिख रही। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर भी काफी अंतर आ गया है। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर भी काफी, तो मैं चंद्र सुनिए, जो दो फैक्टर मैंने कहा, तीसरा पिछड़ी जातियों का फैक्टर था, तो ये मैंने बोला भी, इसको लिखा भी, लेकिन कई लोग वो जो, और चौथा बड़ा फैक्टर लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने बताया कि सर ये जो पश्चिम एशिया को लेकर के और जो चारों तरफ उतर रहे हैं कि मैं भी हिजबुल्ला, उसका भी एक रिएक्शन हो रहा है हमारे राज्य में, और ये हो सकता है कि हमारी पार्टी इसमें थोड़ा सा मात। देखिए एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा आ रहा है, वो भी दर्शकों को दिखा दें। ये हमने जम्मू और कश्मीर रीजन का आंकड़ा आपके सामने रख दिया है। जम्मू रीजन में आप देखिए बीजेपी 22 सीटों पर आगे चल रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस 12 सीटों पर आगे है, अन्य को 9 सीट। और अगर आप देखेंगे कश्मीर में 38 सीटें जो हैं वहां पर, अगर आप देखेंगे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन आगे है, पीडीपी 2 पर आगे है, अन्य 7 पर आगे हैं और बीजेपी का कश्मीर में खाता खुलता हुआ कश्मीर रीजन में नहीं दिख रहा। यानी कश्मीर रीजन में बीजेपी को कोई बढ़त नहीं है। शुरुआत में 5 सीटों पर बढ़त थी लेकिन अब बीजेपी वहां भी पीछे हो गई है। और हरियाणा में बीजेपी ने गजब की वापसी की है, लेकिन फिर आंकड़ा बोलते बोलते 49 और 37 का हो गया। लेकिन बीजेपी पिछले आधे घंटे से लगातार हरियाणा में बढ़त बनाए हुए है। चंद्रमोहन शर्मा जी, ये क्या हो रहा है? खरगोश को हिलाइए, थोड़ा जगाइए, सो गया है। देखिए बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत सुशांत भाई, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये आंकड़ों का खेल है और ये रुझानों में आना जाना अप डाउन रहेगा। 11 बजे तक की पिक्चर साफ होगी, जनमत पूरी तरह से कांग्रेस के फेवर में आएगा और ये पूरा स्वाभाविक है। इस बात को भाजपा के लोग भी जानते हैं भली भांति, अमित जी बैठे हैं, अमित जी का आंकड़ा भी उसकी तरफ है, क्योंकि हवा का रुख देख के ही तो उनके नेताओं ने नीति निर्धारण करी थी। और अभी जिस बात के लिए जेजीपी के लिए बात कर रहे थे अमित जी, तो जिस समय उन्होंने जेजीपी को अपने साथ जोड़ा था तब क्या परसेंटेज ऑफ वोट का मार्जिन ध्यान नहीं था? अगर सत्ता का प्रयोग करने के लिए किसी पार्टी को अपने साथ जोड़ लिया जाए और फिर उसका दुरुपयोग करके छोड़ दिया जाए और जनता को ये कहा जाए कि उनके पास वोट का प्रतिशत नहीं था, तो ये सब नीतियां चंद्रमोहन की जनता पूरी तरह से समझ चुकी थी। शैलजा की आपसी अनबन का नुकसान तो नहीं हो रहा आप लोगों को? जान अप डाउन चलेंगे अभी। हुड्डा जी और कुमारी शैलजा की लड़ाई का नुकसान तो नहीं हो रहा आप लोगों को? बिल्कुल नहीं, हमारा पूरा देखिए हमारा पूरा गठबंधन एकजुट होकर इलेक्शन लड़ा है और हमारे बड़े नेताओं ने बिल्कुल एकजुटता के साथ प्रमाणित करा। ठीक है, महत्वाकांक्षा के दौर के अंदर कांग्रेस भाजपा से भिन्न है। भाजपा के अंदर जहां आवाज दबा दी जाती है, कांग्रेस में वही आवाज अगर नेतृत्व तक बोलने के लिए महत्वाकांक्षा को जाहिर करा जाता है, तो अगर किसी नेता ने अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर करी है तो उससे कहीं भी गठबंधन में और किसी भी तरह से हमारे नेताओं का कोई भी मनमुटाव नहीं रहा। उन्होंने इलेक्शन पूरा सुचारू तरीके के साथ एकजुटता के साथ लड़ा। ठीक है, देखिए टक्कर अभी कांटे की है। हाँ बिल्कुल, अब वो स्थिति नहीं है कि इस समय इलेक्शन वन साइड दिखे। पहला तो ये इसको ये गलत होगा कहना कि ये इलेक्शन पूरा एंटी बीजेपी और प्रो कांग्रेस है, ये इस समय की स्थिति में नहीं है। सही बात, कांग्रेस को एज रहा है, अभी वोट में थोड़ा सा एज है, लेकिन लड़ाई इतने कांटे की है कि ये परिणाम दिखने में लंबा समय लग जाएगा, इतनी जल्दी हम परिणाम नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अद्भुत है अगर बीजेपी ने इस ढंग से अगर टक्कर दिया कांग्रेस को,
बढ़त रहते हुए, तो ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है हरियाणा के इतिहास को देखते हुए। और कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि 7 पॉइंट के घोषणा पत्र में, जबकि 100 गज का फ्री प्लॉट और मकान तक देने के वायदे हैं, और 7ों वायदे केवल मुफ्तखोरी फ्री वीज के हैं, बावजूद अगर वो मतलब वन साइडेड इलेक्शन नहीं कर पाई है, तो फिर आगे के लिए चिंता का विषय होना चाहिए उस नीति पर। देखिए, लेकिन ये अब बोलते बोलते 38-48 ये आंकड़ा हो गया चल रही है, तो इसलिए अभी आप टीवी से छोड़ नहीं सकते। हरियाणा में कुछ भी हो सकता है, हरियाणा में बीजेपी की भी सरकार बन सकती है, हरियाणा में कांग्रेस की भी सरकार बन सकती है, लेकिन फिलहाल रुझानों में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है हरियाणा में। चारू प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ गई हैं। चारू जी, जब आप गाड़ी में बैठी थी तो कांग्रेस तेज चल रही थी, अब आप रुक गई हैं तो बीजेपी भाग रही है, मामला क्या है? सुशांत जी, हेलो अगेन, नमस्ते अगेन। देखिए, मैं सवेरे भी यही कह रही थी कि कांग्रेस ना अपने वो एक अंग्रेजी में कहावत है, काउंटिंग योर चिकन बिफोर दे आर हैच्ड, तो चुनाव के नतीजे गिनने शुरू होने से पहले ही कांग्रेस अपने चिकन काउंट करने लग गई थी। अभी की स्थिति ऐसी है, जैसे हम पहले से कहते आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी टर्म में भी अपनी सरकार बनाने जा रही है, थोड़ा सा समय और दीजिए। आंकड़े मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ही फॉलो कर रही हूँ और वहाँ पर बीजेपी कंसिस्टेंटली लीड पर है। और इसके अलावा भी जम्मू एंड कश्मीर में भी अगर आप ये देखें, इस समय गिनती के हिसाब से सबसे ज़्यादा वोट शेयर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो निकल कर आ रही है वो भी भारतीय जनता पार्टी है। और जम्मू एंड कश्मीर में, कश्मीर रीजन में, लाल चौक, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, हमारी सहयोगी रंजीता के पास चल रहे हैं, जिनके साथ कुमारी शैलजा मौजूद है। रंजीता, रंजीता आप बात कीजिए, रंजीता आप बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए अंजना, शैलजा कुमारी हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि मामला पलटते हुए नजर आ रहा है, पहले कांग्रेस की लीड थी, अब नेक टू नेक फाइट और बीजेपी भी लीड बनाते हुए दिख रही है, का वक्त लगेगा। ठीक है रंजीता, हम आपके पास लौटते हैं, हम आपके पास तुरंत लौटते हैं जैसे ही कुमारी शैलजा आपसे बात करना शुरू करेंगी। लेकिन तस्वीरें जो हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। और इस वक्त हम आपको बता दूं, हरियाणा की कई सीटों पर कांटे की टक्कर चल रही है। बीजेपी के भव्य बिश्नोई 800 वोट से आगे चल रहे हैं। असंध में बीजेपी के योगिंदर सिंह 431 वोट से आगे, बीजेपी के राव नरवीर 182 वोट से आगे, कांग्रेस के कुलदीप 600 वोट से आगे चल रहे हैं, भव्य बिश्नोई 800 वोट से आगे चल रहे हैं आदमपुर में, इंदुराज कांग्रेस के 400 वोट से आगे चल रहे हैं, राकेश कंबोज इंद्री सीट से 141 वोट से आगे, विनेश फोगाट मात्र 214 वोट से आगे, ओम प्रकाश गुर्जर 257 वोट से आगे। यानी अभी भी हरियाणा में कुछ भी हो सकता है बॉस, कोई लड्डू ना बांटे, कोई ढोल ना पिटवाए, क्योंकि फिर जो है वो फजीहत हो सकती है जो पार्टी ऐसा करेगी, क्योंकि जो बिहार में हुआ था वैसी तस्वीर भी हो सकती है। अभी भी 100, 200, 400, 600 वोट का मार्जिन चल रहा है, तो इसलिए अभी मुझे लगता है 11 बजे तक कम से कम आपको इंतजार करना चाहिए कि ये किस तरफ रुझान जो है वो कंसोलिडेट होंगे, क्या बीजेपी 48-50 रहेगी। लगता है 12 बजे तक। हाँ, मुझे लगता है 11 पर तो नहीं होगा, जिस ढंग से मैं देख रहा हूँ विनेश फोगाट का 12 आगे, 11 वोट से आगे, जो वहां की लड़ाई देख रहा हूँ, और कई सीटों पर केवल हुड्डा, कुछ सीटें हुड्डा जी 5000 के आसपास से आगे हैं, वो उसको हम हरियाणा को देखते हुए थोड़ा कंफर्टेबल कह सकते हैं, लेकिन 5000 उनके लिए इतने मतलब लगभग ठीक है। एक बार